हेलो फ्रेंड्स, रोल फैक्ट्री फूड्स की इस वीडियो में मैं अमित सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं हरियाणा की बेहद खूबसूरत नगरी छोटी काशी कहे जाने वाली भिवानी में। और दोस्तों, मेरे बिल्कुल बैक साइड में है भिवानी की सबसे स्पेशल जूस से बनाई जाने वाली पनीर की सब्जी। आइए चलते हैं, जायका लेते हैं इस सब्जी का और बात करते हैं यहाँ के फाउंडर से। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हमारे तरफ से आपको बताइए, हमारे तरफ आपका नाम क्या है और कैसे आपने ये स्टार्ट किया ये सब्जी का, कैसे आपको आइडिया है, थोड़ा हमारे तरफ बताइए। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं प्यारेलाल जी का बेटा हूँ। ये तो काफ़ी साल से सर, मैं सर 1980 के आसपास से कर रहे हैं सब्जी का काम। हमारे पापा बनाते थे सब्जी घर में, उन्होंने ही सीखा हमें, उसी को आगे बढ़ा रहे। इससे पहले हमारे आलू बाजार में रेहड़ी लगती थी, रेहड़ी पर मिठाई बेचते थे हम पहले पे। उसके बाद में 12 के टाइम से ये दुकान हमने 1995 में दुकान करी थी, जब इसे यहीं पे कर रहे हैं। आपके पिताजी ने ये दुकान स्टार्ट की? जी जी जी। अभी आपकी तीसरी पीढ़ी चल रही है? जी। तो सब्जी पनीर की जो जूस वाली सब्जी, उसके अलावा और क्या क्या आपके पास? हमारे पास मिठाइयाँ है हर तरह की, गाजर पाक है, घिया की बर्फी है, पेड़ा बर्फी है, कलाकंद, हर तरह की मिठाइयाँ है, मालपुड़ा है। पहले जो था वो इसके अंदर कौन सा अनार डलता था? कंधारी अनार, पाकिस्तान से आता था कंधारी अनार। अब दीपावली में भी आया था, बहुत बड़ा अनार होता है वो, करीब आधा किलो तीन पाव अनार, खट्टा मीठा होता है वो, स्पेशल खाने एकदम सब्जी में ज़्यादा यूज होता है। तो वो दीपावली के टाइम पे जब आता है तो वो भी डालते हैं, या कभी हाई क्वालिटी की उच्च लेवल की सब्जी बनानी होती है तो उसमें डालता है वो। जी, सब्जी के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है, बदल नहीं देता, बढ़ा देता है स्वाद को। सर ये आपको 5 स्टार में भी नहीं मिलेगी, कहीं चले जाए आप कहीं नहीं मिलेगी, ये इसका तोड़ ही नहीं है कोई। ये ऐसे पिछले 40 साल से, तो इसको 30 साल से तो हम बना रहे हैं। और ये हमारे शुरू में हमारे पापा ही बनाते थे भिवानी में, घर पे बनाते थे, उन्हीं से हमने सीखी है। उसके पहले भिवानी में कोई नहीं बनाता था इसको, सबसे पहले हमने ही दुकान पे लॉन्च करी थी। जी, अब हमारे पापा थे इसको और भी पहले 1970 से, जब से हमारा जन्म हम देखते आ रहे हैं, पापा घर पे बनाते थे खाने के लिए, तो उसके बाद में हमने ये दुकान पे लॉन्च करी, क्यों ना इसको भी दर्शकों तक भी इसका स्वाद पहुँचाया जाए। उसका रिस्पॉन्स भी मिला, बहुत प्यार मिला भिवानी के, नहीं विदेशों का ही प्यार, दिल्ली बॉम्बे से भी लोग आते हैं हमें। अभी हमारे कई दोस्त हैं जिनके कपड़े की दुकानें हैं मार्केट में, तो कपड़ा लेने सूरत जाते हैं, सुबह प्लेन से गए, शाम को कपड़ा खरीदा अगले दिन आ गए, तो जो सूरत वाले फ़ोन करके कहते हैं, जो भिवानी के काफ़ी लोग सूरत बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि वो कपड़ा लेने आ गए ना, सब्जी और गाजर पाक लेके आना पड़ेगा आपका। भिवानी का हमारा गाजर पाक विदेशों तक जाता है, आप भी जाता है दिल्ली, तो आम बात है रोज जाता है, आज भी शाम नहीं गई दिल्ली में, कल भी दिल खुश आगे स्वामी दिल्ली है, तो दिल्ली तो लोकल जैसा हो रहा है आजकल। फुल फैट का अगर आप दूध यूज करेंगे तो क्यों नहीं चीज अच्छी बनेगी? सर ऐसा है ना, हम है नहीं ना सबसे, जो आपने बहुत बड़ी बात कही सर, क्वालिटी लगाओगे तो क्वालिटी बनेगी। हम कोई भी चीज़ बाहर से यूज़ नहीं करते, जैसे खोया है, पनीर है, हम अपना दूध लेते हैं, दूध भी अपने जो चुनिंदा जो हमारे पुराने दूधी हैं उनसे ही लेते हैं, और फिर मशीन मंगा रखी है, उसे चेक करते हैं फैट कितनी है, उसके अंदर पाउडर कितना है, पानी मिला रखा है नहीं मिला रखा, और कोई चीज़ तो मिक्स नहीं है, उसके बाद दूध को ऊपर चढ़ने देते हैं। जवाब है सब कुछ। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा सर, उस पर फोकस करें सभी लोग, वो क्या है कि आजकल मतलब बाजार मार्केट के अंदर सस्ते का जमाना चला हुआ है, भी कोई भी चीज़ मान लो बाजार में अच्छी सब्जी 600 रुपये किलो मिल रही है, तो कोई इसको 300 रुपये में बेच रहा है, कोई 400 रुपये में बेच रहा है, तो ये तो दर्शकों को या ग्राहकों को देखना है अभी वो हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी आज आप एक चीज़ के ऊपर ले लो, पनीर के ऊपर ले लो, पनीर आज मार्केट में दूध का भाव 55 से 60 रुपये किलो बढ़िया दूध है, और 150 रुपये किलो 200 रुपये किलो पनीर बेचते हैं लोग, तो वो दर्शक या ग्राहक भी समझ सकते हैं भी क्या ले रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं। पनीर तो सब जो है आजकल तो इतना धांधली चली हुई है शहर में, नकली पनीर का आप 90% आप देख सकते हो जी, इसलिए हम सस्ते से समझौता नहीं करते, क्वालिटी से समझौता नहीं करते, रेट जो मैंने 10-20 रुपये किलो पर बचाने वो बचाएंगे और असली चीज देंगे और पूरा पैसा लेंगे। वाह जी वाह, ये तो आपने धमाल कर दिया।
और ये भाई हमारा इंतजार हो गया है पूरा खत्म, इंतजार खत्म हो गया। और देखो भाई सबसे पहले तो सब्जी का कलर दिखाओ यार, कितना लाजवाब सब्जी का कलर है। और ये रोटियां मेसी रोटी है भाई, ये इसके अंदर बेसन आटा और आटे और बेसन से बनी हुई बहुत ही ज़बरदस्त रोटी है, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है भाई। और मेरे साथ आए हैं अमित भाई और राजेश हैं और सुनील हैं, हम चारों आज सब्जी का स्वाद लेने के लुफ्त लेने के लिए आए हैं। और देखो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जी के अंदर देखते हैं कि क्या क्या डला हुआ है। ये भाई पनीर, पनीर को अच्छे से फ्राई कर रखा है। और ये रसगुल्ले जैसा है, इसको ये प्याज रसगुल्ले की तरह बना रखा है, इसका जो स्वाद है वो भी रसगुल्ले जैसा ही। और ये देखो भाई ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर डले हुए हैं, ड्राई फ्रूट भी हैं। और ये कितनी थिक ग्रेवी है, आप ग्रेवी देख सकते हो कितनी थिक है। और इसके अंदर जो ये आलू है, ये फ्राई करके आलू डाला हुआ भाई। और ये ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च, तो कॉम्बिनेशन भाई इतना ज़बरदस्त बना रखा है, इसीलिए पिछले 40 सालों से 50 सालों से ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चल रही है। और स्वाद जो है, हमने जब आज से 5-7 साल पहले जब हम भिवानी रहते थे तब हमने खाई थी, और आज जो इसका स्वाद है, क्योंकि सब्जी लेके आने से पहले मैंने थोड़ी सी चख ली थी, तो उसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है। और आपको भी मैं थोड़ा टेस्ट करा देता हूँ, क्योंकि व्यूवर्स को टेस्ट करना ज़रूरी है, टेस्ट करके देखिए आप। और हाँ नींबू भी निचोड़ के पहले एक बार बिना नींबू के ही सब्जी का टेस्ट करते हैं कैसा इसका स्वाद है। अलग लेवल है भाई, अल्टीमेट स्वाद है। और एक दोस्तों आप रेस्टोरेंट वगैरह होटल में, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल में आप गए हैं, और जहाँ भी आप गए हैं आपने देखा होगा कि तंदूर की रोटियाँ मिलती हैं, ये आटे से और बेसन से बनी हुई तवे की रोटी है। सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया हैं, ऐसा नहीं कि आपने खाया और आपको आपकी हेल्थ बिगड़ गई है। तो हम ये भी चीज़ बड़ी ध्यान रखते हैं कि जो हेल्थ के लिए अच्छी है वही चीज़ हम एक्सप्लोर करते हैं। और पनीर की क्वालिटी जो है, ये पनीर खुद बनाते हैं भाई, खुद का पनीर बनाने के बाद ये सब्जी बनाते हैं। तो राजू भाई आपको सब्जी कैसी लगी है? बेस्ट लगी एकदम बेस्ट। कितने नंबर देगा 10 में से? 10 पूरे 10, एक भी नहीं कटता? ठीक है जी। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। सुरेश कुमार जी। टोंटो जी कब से आप यहाँ आ रहे हैं? इनके पापा से मुलाकात थी तब से आ रहे हैं। क्या क्या आपको यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा लगता है थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यहाँ का गाजर पाक एक नंबर का, सब्जी रोट वाली और सब कुछ एक नंबर वैरायटी, कुछ भी सब्जी और गाजर पाक खाने के टाइम नाम जब भी याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। धन्यवाद जी। मालपुड़े के अंदर मीठा है जो बिल्कुल लेल का है, कई बार मैंने खाया उसके अंदर इतना मीठा हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जायकेदार लगी हमें पूरी की सब्जी, खाने के बाद हमारी तबीयत खुश हो गई है। वाह जी वाह। ये है यहाँ का स्पेशल गाजर पाक, और नज़दीक से थोड़ा दिखाओ भाई, ये इसके अंदर है ना घी लबालब भरा हुआ है भाई, देखो आप देख सकते हैं इसके अंदर फुल फैट का गाजर पाक है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं है घी में। और आप ये देखिए इसके अंदर जो घी है, देसी घी से लबालब भरा पड़ा गाजर पाक भाई। और इसका जायका लेते हैं, भाई माउथ मेल्टिंग गाजर पाक का स्वाद है, जायकेदार और बहुत ही लजीज। फ्रेंड्स पनीर की सब्जी के साथ साथ यहाँ पे आप गाजर पाक, मालपुड़ा और भी मिठाइयाँ आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ की हर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। जय हिंद जय भारत, राम राम।